तो भाई लोग ऐसा लगता है ना कि जैसे गोल्ड माइन ना टी सीरीज के ना पीछे ही पड़ गया है। जैसा कि ना सब लोग जानते हैं, जो कार्तिक आर्यन की मूवी है ना शहजादा, वो अपने अल्लू अर्जुन सर की मूवी अलवेकंडरम की कॉपी है। तो ना गोल्ड माइन ने वहाँ पर भी कांड कर दिया टी सीरीज के साथ। तो टी सीरीज ने ना एक ना पोस्ट किया था, उन्होंने बोला कि गोल्ड माइन जो है वो मान नहीं रहा है। गोल्ड माइन बोल रहा है कि हम शहजादा की रिलीज डेट से पहले अल्लू अर्जुन सर की मूवी को ना हिंदी डब्ड करके यूट्यूब पर डाल देंगे। तो जायज बात है, जब पहले ही लोग उसको और उसके ओरिजिनल वर्जन को फ्री में देख लेंगे तो शहजादा को कौन देखेगा थिएटर्स में जाकर। यहाँ पर ना शहजादा के मेकर्स ने यानी टी सीरीज ने बहुत ज़्यादा उनको समझाया, उनको ना कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन गोल्ड माइन वाले यहाँ पर नहीं माने। तो भाई लोग अपना मैं एक और बवाल न्यूज़ देने वाला हूँ आपको। गोल्ड माइन ना सच में टी सीरीज के पीछे लग गया है, मेरे को ये लग रहा है। क्योंकि अभी गुमराह मूवी आ रही है जो कि थड़म तमिल मूवी का रीमेक है, आप सबको पता है। अब जो गुमराह मूवी है वो रिलीज होने से पहले ही ना गोल्ड माइन ने एक और ना कांड कर दिया है भाई साहब। रेड नाम से ना एक मूवी आई है, रेड या रेड जो भी है, जिसमें आपको राम पैथोनी देखने को मिलेंगे। और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि द रीमेक ऑफ मूवी थड़म, जो कि ना यूट्यूब पर लोगों को फ्री में देखने को मिलेगी। अब चलो कुछ लोगों को पता नहीं है या फिर पता नहीं लगा है, जो भी है कि यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, या फिर कुछ लोग सोचते हैं ठीक है वो हम बाद में देख लेंगे, हम ओरिजिनल का वेट करते हैं और थिएटर्स में जाके देखेंगे क्योंकि उसका ना मज़ा ख़राब हो जाएगा फिर, तो फ्री वाली मूवी चलो नहीं देखी, मैं मान लिया। लेकिन भाई साहब गोल्ड माइन ने ना अब रेड डाल दी है, वो बोल रहे हैं और उन्होंने साफ साफ लिखा है कॉफी ऑफ थड़म सुपरहिट ब्लॉकबस्टर थ्रिलर मूवी। ठीक है जी, राम पैथोने की मूवी उन्होंने डाल दी है गोल्ड माइन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ ना मैं बस ये सोच रहा हूँ, जब ना यूट्यूब पर फ्री में एक मूवी मिल रही है देखने को जो कि ओरिजिनल है, उसी की दूसरी मूवी मिल रही है यूट्यूब पर देखने को जो कि उसकी कॉपी है, उसकी ही तीसरी मूवी देखने को मिलेगी थिएटर्स में जो कि कॉपी है, तो आपको लगता है कि जो ऑडियंस है वो थिएटर जाएगी? मेरा पर्सनली मानना ये है कि मेरे को नहीं लगता कि गुमराह के लिए इतना लोग जाएंगे या गुमराह इतनी ज़्यादा सक्सेस हो पाएगी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी थड़म बनी हुई है, लोगों को पता लग गया है, उसके बाद में गोल्ड माइन ने भी ये बड़ा वाला कांड कर दिया है। तो आप क्या कहोगे इस बारे में, क्या गुमराह मूवी सक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर आपने थड़म देखी है तो भी बताओ, नहीं देखी है तो भी बताओ, और अगर आप चाहो तो रेड जाके देख सकते हो फ्री में, वो भी गोल्ड माइन पर। पर्सनली मैं ऐसा आपको ओपिनियन नहीं करूँगा कि आप गुमराह मत देखो, बस मैं ना एक बता रहा हूँ कि न्यूज़ है ना वो बता दी मैंने आपको। तो गोल्ड माइन ना भाई हाथ धो के पीछे पड़ गया, और वैसे भी ना इन लोगों अकल ही नहीं है, ये लोग ना रीमेक पे रीमेक किए जा रहे हैं साउथ का। यार शर्म करो यार, कुछ ना अपना कंटेंट लेके आओ। साल में अगर 10 मूवियाँ बनती है उसमें से तुम्हारी 7 या 8 तो कॉपी होती है, वो भी साउथ की, कभी तमिल से उठाते हो कभी कन्नड़ से उठाते हो, शर्म नहीं आती? तो भाई लोग आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई ख्याल रखना अपना, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो तुम्हारा मन करे कर दो। म्यूजिक